Now let's start discussing seventh problem. Find acceleration of masses shown in the set of figure. Once again हम figure draw कर ले. इस तरह का figure दे रखा है. This is 30 degree. Let us say theta. Here we have got a pulley P1. Here we have got mass capital M, that is 4 kg, and here a thread runs on the pulley, another pulley, here we have got another mass, and here fixed, this mass is 1.2 kg, this is the figure, this is P2. Find acceleration of masses shown in set of figure. Also determine tension in the string connecting the two masses. Acceleration बताने हैं और tension बताने हैं. The string are weightless, the pulley is weightless and frictionless. अब बस setup को बड़े ध्यान से देखिए. Once again पहला काम है acceleration को assign करना, indicate करना और उन्हें relate करना. दूसरा काम है फ्री बॉडी डायग्राम चूज करना. तीसरा काम है एक्सटर्नल फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना, उन्हें रिजॉल्व करना और फिर लास्टली इक्वेशंस बनाना और सॉल्व करना. सबसे पहले एक्सीलरेशन हम इंडिकेट करते हैं. जरा देखिए यह मास 4 केजी है, 1.2 kg, शायद इस मास को नीचे की तरफ जाना है. चलिए मैं नीचे इसका एक्सीलरेशन a असाइन कर देता हूं. इसका मैंने एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a असाइन करा, इंडिकेट कर दिया. अब इसका एक्सीलरेशन सोचना है, इसका एक्सीलरेशन सोचना है कि क्या होगा इस पुली का, क्योंकि जब यह नीचे जाएगा तो थ्रेड ऊपर की तरफ जाएगा और यह पुली ऊपर जाएगी. तो कितना ऊपर जाएगी, अब देखिए हम लेंथ कंस्ट्रेंट से भी इस बात को सोच सकते हैं, ठीक है ना. और वैसे हम बायोलॉजी कैसे सोचे कि यदि ये 1 मीटर ऊपर जाता है तो 1 मीटर रस्सी दस से फ्री हुई, 1 मीटर रस्सी दस से फ्री हुई, 2 मीटर नीचे जाएगा. मींस यदि इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर नीचे की तरफ तो इसका 1 मीटर ऊपर की तरफ. यदि इसका एक्सीलरेशन ए है तो यह जो पुली है यह a बाय 2 एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी, साथ में यह मास भी a बाय 2 एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा. इस बात को समझना है. यह मैंने एक्सीलरेशन को असाइन करा है, इंडिकेट भी कर दिया और साथ में इधर रिलेट भी कर दिया. यह एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इधर समझी है कि इफ दिस ब्लॉक मूव अपवर्ड विथ एक्सीलरेशन ए बाय 2, इन दैट केस दिस ब्लॉक वुड मूव डाउनवर्ड अलोंग द इंक्लाइन विथ एक्सीलरेशन ए. यह लेंथ कंस्ट्रेंट से भी हम सोच सकते थे, यदि हम इसको वाई कह दें, वाई प्लस वाई प्लस दिस लेट अस से जेड, दिस कांस्टेंट, this is y plus z is constant. और फिर हम यह देखें y plus z is constant और 2y plus z is constant. अब differentiate करेंगे तो 2 times d2y by dt2 plus d2z by dt2 is equal to 0. डबल डिफरेंशिएट कर दिया पहले एक बार और दूसरी बार और हमें समझ में आ जाएगा d2z by dt2 is minus of twice of d2y by dt2. इसको हमने a कहा, this is ay और ay is minus of a by 2, मतलब यह नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा और यदि यह a हुआ तो यह a by 2 होएगा. हम लेंथ कंस्ट्रेंट से भी इस बात को सोच सकते हैं. अब
यही सोचना सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उसके लिए इक्वेशंस लिखना कोई बड़ी बात, कोई कठिन बात नहीं है। एक फ्री बॉडी डायग्राम तो हम डेफिनेटली इस ब्लॉक का लेंगे, यह ब्लॉक एक फ्री बॉडी डायग्राम होगा। दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम हमारा होगा यह पुली, और तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम होगा यह मास। अब हम इधर एक्सीलरेशन ए इंडिकेट कर रहे हैं, इधर ए बाय टू, इधर ए बाय टू। हम कहेंगे इन दिस थ्रेड वी हैव गॉट टेंशन टी, नॉर्मल रिएक्शन एन एंड एम जी। हियर वी हैव गॉट टेंशन टी, हियर टेंशन टी एंड हियर टी नॉट विच वुड बी इक्वल टू टू टी। हियर टी नॉट एंड हियर, इसको कैपिटल एम जी लिख देता हूं, दिस कैपिटल एम जी एंड दिस स्मॉल एम जी। अब हम इक्वेशंस बना सकते हैं, इक्वेशन बनाने से पहले हमें इस mg को जरूर रिजॉल्व करना होगा, दिस एक्सीलरेशन a, इस mg को रिजॉल्व करना होगा, दिस mg cos 30, दिस mg sin 30। इसके लिए इक्वेशन बनाऊंगा mg sin 30 माइनस g इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कैपिटल एम जी कॉस 30। दिस इज अ रिडंडेंट इक्वेशन, इधर कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए टू टी इक्वल टू टी नॉट, और कोई इक्वेशन नहीं है, और इधर मैं लिखूंगा टी नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इन टू ए बाय टू। दिस आर द थ्री रेलेवेंट इक्वेशंस, सॉल्व देम टू गेट द वैल्यू ऑफ ए टी एंड टी नॉट। डिटरमाइन टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द एक्सीलरेशन। टी नॉट नहीं पूछा है उनने, ए और टी पूछा हुआ है। सॉल्व इट, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम इनका एक्सीलरेशन को रिलेट करना सीखना, इस ब्लॉक के और इस ब्लॉक के एक्सीलरेशन। यदि यह रिलेट करना आपने सीख लिया तो उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, एक्सटर्नल फोर्सेस रिजॉल्व करना, इक्वेशन बनाना, वो सब आसान काम। इसे ध्यान से देखिए प्लीज। Now, let's start discussing ninth problem. A block of metal weighing 2 kg is resting on frictionless plane. Here we have got a 2 kg block. It was struck by a jet releasing water at a rate of, here we have got a jet of water and it's releasing water at a rate of 1 kg per second. This is dm by dt, rate of change of mass, with the speed of 5 meter per second. Calculate the initial acceleration of the block. Ab dekhiye, here we need to go at the basic definition of force. Force is rate of change of momentum, or
its rate of change of mass into velocity, or this force is m dv by dt plus v dm by dt. This is the basic definition of force. Now we'll say if we talk about this block, यदि हम इस ब्लॉक की बात करें तो इस पर इस जेट वाटर जेट की वजह से फोर्स लग रहा है. इस ब्लॉक का कोई आई विल से नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ब्लॉक एंड वाटर सिस्टम इज जीरो. मास ऑफ ब्लॉक इज एम, एक्सीलरेशन हमें डिटरमाइन करना है, प्लस v, velocity of the water jet is v and dm by dt. Acceleration is minus 1 by m v dm by dt, or acceleration is 1 by 2 into v ki jagah 5 dm by dt ki jagah 1. Acceleration is minus 5 by 2 or minus 2.5. माइनस साइन से सिंपल इतना मतलब है कि वाटर का पीछे की तरफ है, इसका इस तरफ. आप ऐसे भी सोच सकते हो, फोर्स ऑन द ब्लॉक, एक ऑल्टरनेटिव मेथड, फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू वाटर जेट. This is v dm by dt. This is 5 into 1 Newton. And this force is equal to mass into acceleration, or acceleration is equal to force upon mass, or 5 Newton by 2 or 2.5 meter per second square. हम इस तरीके से भी इस कंसेप्ट को सोच सकते हैं. हम कहते हैं जो वाटर जेट है वह इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है, और वाटर जेट की वजह से लगने वाला फोर्स होगा vdm by dt. इस केस में हम कहेंगे mdv by dt जीरो हो गया, और या फिर हम डायरेक्टली इस तरह से सोच ले. नाउ लेट्स रीड द 10th प्रॉब्लम. Now let's start discussing 13th problem. The force required just to move a body up the inclined plane. There is an inclined plane, there is a body on it. Now force required to move the body up the inclined plane is double the force required to prevent the body sliding down. The coefficient of friction is mu. Prove that angle of inclination theta is something. Now, this is the situation that they are given. एक inclined plane पर block रखा हुआ है, उस block को ऊपर ले जाने के लिए जो force लगता है, और block को नीचे जाने से prevent करने के लिए जो force लगता है, उसमें एक relationship. और फिर कुछ prove करना है, हम इस situation को पूरा ही analyze करते हैं. Now, to move द इंक्लाइन, इस सिचुएशन को हम सबसे पहले सोचते हैं. यह इंक्लाइन प्लेन, एंगल थीटा, और इसके ऊपर यह ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने का प्रयास है. अब सबसे पहला फोर्स इधर होगा mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अप, और जब इसको ऊपर ले जाया जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन नीचे की तरफ, और इसे ऊपर ले जाने के लिए कुछ फोर्स एफ1 लगाना होगा. हम
फोर्स नाउ mg को रिजॉल्व करके जरूर लिखेंगे, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, और एक इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी एंड दैट इक्वेशन इज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, यह इक्वेशन हमेशा होल्ड करनी है। अब जस्ट मूविंग अप की कंडीशन होगी F1 इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, और F1 इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब इसके बाद टू प्रिवेंट इट्स स्लाइडिंग डाउन, टू प्रिवेंट इट्स स्लाइडिंग डाउन, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता है, और इसके स्लाइडिंग डाउन को प्रिवेंट करने के लिए वंस अगेन यह ब्लॉक स्लाइड डाउन क्यों करेगा, भाई mg की वजह से, mg का एक कंपोनेंट, mg नॉर्मल रिएक्शन, और जब यह नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन ऊपर की तरफ लगने लगेगा, और mg को जो हम रिजॉल्व करके बनाएंगे तो यह mg साइन थीटा mg कॉस थीटा, और इसे स्लाइडिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम फोर्स F2 लगाएंगे, हमने फोर्स F2 लगाया, एंड दिस फोर्स F2 इज इक्वल टू mg sin theta माइनस म्यू एन, और दिस फोर्स F2 इज mg sin theta माइनस म्यू mg cos theta। अब ये तो हमने सारी कंडीशन लिख ली, अब उन्हें जो दिया हुआ है दिस इज दैट दिस फोर्स F1 इज टू टाइम्स ऑफ F2, ये उन्हें दे रखा है, फोर्स टू मूव इट अप इज डबल द फोर्स नीडेड जस्ट टू प्रिवेंट इट स्लाइडिंग डाउन, सो mg sin थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज टू टाइम्स एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। अब मैं ट्रांसलेट कर लेता हूं, थ्री टाइम्स म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी से एम जी कैंसिल्ड, टाइम थीटा इज इक्वल टू थ्री म्यू, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ थ्री म्यू, बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसकी दी हुई कंडीशन को देखें, पूरे सॉल्यूशन को देखें। Let's start discussing 14th problem. A bar of mass m is pulled by means of thread up the inclined plane forming an angle theta. Once again, पहले हम figure बना ले। Inclined plane इस तरह से है किसी angle theta पर, और इसके ऊपर यह bar है, और इसे किसी angle अल्फा से, इंक्लाइन प्लेन के साथ किसी एंगल अल्फा से टी टेंशन से खींचा जा रहा है, दिस बार ऑफ मास एम बाय मींस ऑफ थ्रेड अप द इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू,
coefficient of friction is mu. Prove that alpha equal to tan inverse mu, where alpha is angle of thread, must form with inclined plane for tension of thread to be minimum and minimum thread. ठीक है ना? अब minimum tension के लिए हमको इसको up the inclined plane खींचना है और tension minimum भी चाहिए. हम सबसे पहले forces identify करते हैं. फोर्स आइडेंटिफाई करेंगे तो एक फोर्स तो हमें मिलेगा mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक फोर्स मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन n, और एक फोर्स मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n. इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं. अब इन फोर्सेस में से हम mg को रिजॉल्व करके भी दिखा देते हैं. मैं एक बार और फिगर बना दूंगा, थोड़ा नीटली भी बनाऊंगा. हमें दो फोर्स को रिजॉल्व करके दिखाना चाहिए था, एक तो mg को और एक टेंशन को. यह टेंशन की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, यह टेंशन की डायरेक्शन है, और इस टेंशन को रिजॉल्व करके दिखाऊंगा मैं. एक इस डायरेक्शन में t cos अल्फा, एक तो इस डायरेक्शन में t cos अल्फा, और एक इस डायरेक्शन में t sin अल्फा. नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी है ही, इसे रिजॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है. म्यू एन वहां पर है ही, इसे रिजॉल्व करने की भी कोई आवश्यकता नहीं. इसके अलावा एमजी को हम रिजॉल्व करके दिखाएंगे. यह एमजी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे हम रिजॉल्व करके जरूर दिखाएंगे. इस डायरेक्शन में mg cos अल्फा, इस डायरेक्शन में mg sin अल्फा. ये cos कंपोनेंट, sin कंपोनेंट, इसे समझने के लिए ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आवश्यक है. दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज अल्फा. सॉरी, mg cos थीटा होगा, इधर गलती कर रहा हूं मैं. दिस वुड बी mg cos थीटा एंड दिस वुड बी mg sin थीटा. एंड दिस एंगल इज थीटा. अब देखिए, मैं इक्वेशन बनाता हूं. सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos theta minus t sin alpha. और ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए हम कहेंगे t cos alpha must be equal to mg sin theta plus mu n. और t cos alpha is equal to mg sin theta plus mu n की जगह पर mg cos theta minus t. Let me take some space. इधर मैं इधर लिखने के बजाय थोड़ा नीचे ही लिख देता हूं, बेहतर होगा. t cos alpha is equal to mg sin theta plus mu into n की जगह पर mg cos theta minus t sin alpha. अब क्यों ना मैं t टर्म को सब एक तरफ कलेक्ट कर लूं, t की जो टर्म्स है उनको एक तरफ कलेक्ट कर लूं.
t into cos alpha minus mu sin alpha. Cos alpha minus mu sin alpha. Cos alpha minus mu sin alpha is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta. Or this tension T is equal to mg into sin theta plus mu cos theta upon cos alpha minus mu sin alpha. This tension T. Up for T to be minimum, for minimum T, dt by d alpha must be 0. हम कहेंगे minimum T के लिए dt by d alpha 0 होना चाहिए. कुछ गड़बड़ी हो रही है, मैंने प्लस माइनस में कुत्ते कुछ गलती करी है क्या, देखें एक बार. t प्लस म्यू इनटू n, n इज mg sin अल्फा और t इधर आया, इधर प्लस होएगा इधर माइनस होएगा, हियर विल हैव प्लस साइन एंड हियर विल हैव दिस प्लस. Here we'll have plus sign. Now it's correct, it seems. I hope T plus T. अब बिल्कुल सही. अब हम कहेंगे minimum T के लिए इसे maximum होना होगा. For minimum T, this must be maximum. For minimum T, cos alpha plus mu sin alpha must be maximum. अब इसे maximum करने के लिए हम इसका d by d alpha 0 कर देते हैं. d by d alpha of cos alpha plus mu sin alpha must be 0. cos alpha का हो गया minus sin alpha plus mu sin alpha का cos alpha must be 0. और I'll say sin alpha is equal to mu cos alpha. Or tan alpha must be 1 by mu. Tan alpha must be 1 by mu. मैंने सही करा है? Cos alpha something like this. देखो एक बार ध्यान से. अब हम क्या करेंगे, cos alpha की जगह value substitute कर देंगे और sin alpha की जगह पर value substitute कर देंगे and we'll get the minimum T. Just take it. Tan alpha, here I had made a small mistake. Mistake क्या, मैंने tan alpha equal to mu upon solving, you will get tan alpha equal to mu
और tan alpha equal to mu तो sin alpha हो जाएगा mu by under root of 1 plus mu square और cos alpha हो जाएगा 1 upon under root of 1 plus mu square. Now in order to get the minimum tension we substitute this value, this T min, minimum tension is mg sin theta plus mu cos theta upon cos alpha की जगह पर हम रख देंगे 1 upon under root of 1 plus mu square और mu sin alpha के लिए हम कहेंगे mu into mu by under root of 1 plus mu square. Now solve it and you will get the expression for minimum tension and that would look something like this. Mg into sin theta plus mu cos theta whole upon this is 1 plus mu square and under root of 1 plus mu square. This is the minimum tension. Solve it. इधर हमने छोटी सी गलती कर दी व्यर्थ में. ऐसी गलती होना नहीं चाहिए कभी. कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्ट है. मिनिमम टेंशन, इधर हमको टेंशन जब मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज करना है. फॉर मिनिमम टेंशन दिस डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम और डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करने के लिए उसका डी बाई डी अल्फा जीरो कर दिया और इस तरह से आ गया. प्लीज चेक इट, ध्यान से इसको नोट डाउन करें और हम 17th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे.